चलो टोक्यो चलो, लेट्स गो बेबी। वो ऊपर है, यार हम लोग सीधे वाजा खा रहे भाई, हम की चीज भाई जाहिर मार बड़ा जाहिर बड़ा बहुत मेरे दे वाला हो। पैसा लाने का तो कोई भी ला सकता है यहाँ तक, बट निंजा सेलेक्टिना को ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में लेके आना विदाउट स्नो चेन, गाइस इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। टोक्यो मेरी जान, लव यू लव। तो भाई साहब यार इसको बोलते हैं एक्सट्रीम रोड कंडीशन। हाँ मैं सोचा नहीं था कि ऐसा भी रोड देखने को मिलेगा हम लोगों को। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ लद्दाख सीरीज। एंड गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंबा। एंड गाइस आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है, नोएडा से जो चंबा तक आए हम लोग हिमाचल प्रदेश में, उसका जो व्लॉग था भाई आधा से ज्यादा फुटेज करप्ट हो गया है, इसीलिए हम लोग ये नया वाला व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अभी कुछ बज रहे हैं सुबह के 6 अब। एंड आज हम लोग करने वाले हैं सचपास एंड गिल्लर क्रिस्टोफर, ठीक है। तो भाई टू मच एक्साइटेड, रात भर सोए हुए नहीं थे, बहुत ही मतलब नींद आ रहा है। एंड यहाँ पे सारे भाई लोग हैं, एंड इतना मतलब दो दिन से इतना कम सोया हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, बॉडी पूरा छोड़ दिया है मेरा। तो जो भी है भाई ने बहुत अच्छे से मनाया, मोटिवेट किया इस, नहीं तो फिर यहाँ पे ही होटल बुक करके यहीं पे रहे जाने वाला था। तो एनीवेज गाइस चलो चलते। अरे रुक जा, आप व्यू देखने को मिलेगा गाइस आप लोगों को, ठीक है। आज मतलब आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा भाई। दिल्ली से ज्वाइन किया था जाहिर भाई, ठीक है, जो फुटेज मेरा पूरा करप्ट हो गया है। आज की रेस कहाँ से कहाँ तक होगी है? तो यहाँ गाइस अभी हम लोग निकल पड़े हैं चंबा से। यार आज का प्लान ये है कि हम लोग पहले जाएंगे सचवास में, एंड उसके बाद वहाँ से किल्लर जाएंगे, किल्लर में रात को रुकेंगे, फिर कल हम लोग किस्टोवाड़ करेंगे। एंड गाइस यार सचपास है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोटरेबल रोड, ठीक है, इन द वर्ल्ड एक्चुअली। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई, तो लेट्स सी भाई, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है आज का दिन। मैं दो दिन से सही से सोया नहीं हूँ, मेरा को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। मैं कॉफ़ी वॉफी पी के कुछ भी करके मतलब थोड़ा सा नींद को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर आदमी का नींद पूरा नहीं होगा ना भाई, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, नो लाइक कंप्यूटर, यू नीड टू रिस्टार्ट द ब्रेन ऑल्सो। तो गाइस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आज आप लोगों से ना एक इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोगों के लिए ना यूजफुल हो सकता है, तो ध्यान से सुनना। तो बहुत सारे लोग ना अपने जॉब से लेके अपने प्रोफेशन से लेके ना खुश नहीं है, मैं बहुत टाइम से अपने रियल लाइफ में खुद देखा है। एंड वो लोग ना स्विच करना चाहते हैं, एंड उन लोगों को ना मालूम नहीं है कि कैसे स्विच करना है। एंड कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लोग फ्रेशर्स है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ पे जाके अप्लाई करें। तो इन सब का ना एक ही सॉल्यूशन है, रिलेबल बाय अन अकेडमी। तो वहां पर जाके ना आप लोगों का सारे प्रॉब्लम्स ना सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं ना आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। ओला तेज जिनको ना कॉर्पोरेट में एक अच्छी जॉब चाहिए थी, तो रिलेवल के थ्रू करेंटली ना वो उसको जॉब मिला है नोवा बेनिफिट्स कंपनी में विद 77% सैलरी हाइक के साथ। उसके सिवा वर्सल शर्मा जिसको ना कोडिंग में जॉब चाहिए थी, एंड उनको भी विंगीफाई में जॉब मिला एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जबकि वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो रिलेवल के थ्रू ना जॉब लेने के लिए ना आप लोगों को कोई भी बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, बस एक टेस्ट एंड उसके बाद आप लोगों को आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। और इतना ही नहीं गाइस, रिलेवल सिलेक्ट के थ्रू ना आप पा सकते हो इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब, वो भी बहुत ही बढ़िया पैकेजेस के साथ। तो 6-10 जुलाई में ना आप लोग फ्री टेस्ट स्लॉट बुक करो एंड पार्टिसिपेट करो इन द इवेंट, एंड आप लोग ना कोई भी कैटेगरी में फिल कर सकते हो एंड पा सकते हो इंडिया की टॉप कंपनी में जॉब लाइक अदर कैंडिडेट। तो इसका बेस पार्ट ये है कि जो डेली टॉप स्कोरर्स होंगे ना, उन लोगों को मिलेंगे अमेज़न के वाउचर अप टू 30,000 रुपीज, एंड इवन जो लोग टॉपर्स होंगे ना, उन लोगों को मिलेंगे एप्पल के गुडीज लाइक मैकबुक, आई वॉच, आईफोन। एंड इतना ही नहीं, जो लोग इवेंट के टॉप 100 स्कोरर्स होंगे, उन लोगों को मिलेंगे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स। एंड गाइस आप लोग ना इसके थ्रू टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो, लाइक एचआर, सेल्स, एनालिटिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। तो गाइस मेन बात पे आते हैं, रिलेवल आपकी जिंदगी को बदल सकता है जैसे कि तेज और वर्सल का बदला है, एंड आप लोग ना इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, जाके रिलेवल सिलेक्ट करो, आपकी फ्री टेस्ट स्लॉट बुक करो एंड टेस्ट देके आपकी ड्रीम जॉब को पा लो। तो गाइस अभी थोड़ा सा चेन लूप कर लेते हैं, क्योंकि यार चेन का हालत ना बहुत ही खराब है, कर 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 आवाज आ रहा है।
गाइस यहाँ पे व्यू देख सकते हो, रिवर का आधा पानी सूख गया है भाई। बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो। ओके गाइस, सो हाँ चलो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ओ भाई, आराम से आ जाओ। तो गाइस ये चेन लूप करने के बाद ना बाइक बहुत ही स्मूथ चल रहा है, जो आवाज हो रहा था वो भी कम हो गया है। भाई साहब आज आप लोगों को जो सीनिक व्यू देखने को मिलेगा, आप लोग सोचोगे भाई वाह सैमी भाई किधर आ गए तुम। सीनिक व्यू के साथ साथ फटने भी वाला है, क्योंकि गाइस बहुत डेंजर जगह में हम लोग जाने वाले हैं। आस पास यहाँ से कुछ 160 किलोमीटर दूरी पे है, तो चलते हैं फटाफट से। गाइस रास्ते में जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वीडियो को आगे तक देखते रहो। गाइस यार यहाँ से कर्वी रोड चालू हो गया है भाई साहब, यार रोड्स देखो और व्यू देखो भाई, वाओ कितना सुंदर है। ऑफ रोडिंग वाला रास्ता चालू हो गया, अरे बाप रे बाप, देख सकते हो, अरे बाप रे क्या रोड है भाई, बहुत ही ज्यादा। सबको नींद आ रहा है, और ऐसे अगर नींद आता रहेगा इसी हालत में अगर बाइक चलाएंगे ना, एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है एक्सीडेंट। 1 hour later भाई यार हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुके थे, ये व्यू को एंजॉय कर रहे थे, एंड उसके बाद थोड़ा सा अभी रील्स वील्स बना के अभी निकल दे भाई। दादा फुल टैंक मारो। तो गाइस यार फुल टैंक ही करवा लिए, 1250 रुपए का पेट्रोल आया। एंड गाइस यार पहाड़ों में ना जहाँ पे भी पेट्रोल पंप मिले वहाँ पर ही फुल टैंक करवा लेना चाहिए, क्योंकि यार गाइस आगे कहाँ पे पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मालूम भाई। गाइस यार वो ऊपर में बर्फ देख रहे हो भाई, पहाड़ के ऊपर में हम लोग वो ऊपर में जाने वाले है, ठीक है। अभी भी यहाँ से कुछ 70-80 किलोमीटर दूर है, एंड टू बी ऑनेस्ट भाई सच पास ना बहुत डिफिकल्ट रोड है, नॉर्मल बाइकर जब करते हैं ना सच पास पुल लोगों का फट जाता है, बट भाई हम लोग अपना टोक्यो लेके कर रहे हैं, ठीक है, अपना निंजा ZX 10R जो कि पहली होने वाला है वेस्ट बंगाल का, एंड ऑल्सो इंडिया का भी, जो इतना हम लोग ऊपर में आ रहे। ओ बॉय क्या सुंदर जगह है यार, एंड रोड्स भी देखो यार। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा रुक के फोटो शूट किया हम लोगों ने, क्या खूबसूरत जगह है ना, कितना सुंदर है भाई, देखो यार कितना सुंदर है। ऊपर से आएगा लेपर्ड, चलो जल्दी। हाँ भाई यहाँ पे लेपर्ड वेपर रहता है, सही बोला, चलो निकलते हैं। और गाइस यार तीनों टेनर जा रहे हैं हमिंग नॉइस करते हुए, ओ भाई अलग ही मजा आ रहा है। कॉर्नर्स पे यार गाइस क्या सुंदर दिख रहा है भाई साहब, यार क्या जगह है यार, क्या खूबसूरत जगह है, दिल खुश हो गया भाई। तो गाइस यार अभी सुबह के बज रहा है कुछ 10, एंड हम लोग यार ब्रेकफास्ट करने के लिए एक जगह पे रुके हैं, एंड लुक एट दिस प्लेस भाई कितना सुंदर है ना, पहाड़ों के बीच में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिला। अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके फिर निकल जाते हैं, जस्ट यहाँ से व्यू देखो, ओके दिल खुश हो जाएगा भाई आप लोगों का, देख रहे हो भाई कितना सुंदर है, ऑसम है। जहाँ पे सुपर बाइक खड़ा रहता है भाई वहाँ पे तो भीड़ लगना ही है, तो ऑब्वियस ही बात है, हम छोटे छोटे बच्चे भी फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं सब, एंड आ गया भाई ब्रेकफास्ट, आ जाओ भाई। तो गाइस हम लोगों ने ऑर्डर किया आलू पराठा साथ में कर्ड, खाना खा के मजा आ गया भाई, अभी एक ऑमलेट भी आ रहा है, निकलते। तो गाइस यार खाना वाना हो गया है, अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, एंड जितना हम लोग सुने कि वहाँ पे बर्फ पड़ा हुआ है ना, तो गिरने का चांसेस 101% है, तो देख रहे हो गाइस गलत इशारे से चलो भाई, वेदर ना बहुत ही खराब हो जा रहा है, एंड आगे एक चेक पोस्ट है 5 किलोमीटर बाद, एंड वहाँ पे अगर वेदर खराब रहेगा तो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स है वो लोग छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को। गाइस यार जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल वैली, यहाँ पे छोटा 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 घर देख सकते हो पहाड़ के ऊपर, एंड मैं ना सोच रहा हूँ कि भाई ये लोग कैसे रहते हैं पहाड़ के ऊपर, भाई साहब क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यार। हाय व्हाट्स योर नेम? हाय काव्या, हाउ आर यू? आप लोग किधर से हो?
पंजाब भूल गए किधर से हो? हिमाचल। अच्छा इस थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है एंड ये हम लोग आ गए एक चेक पोस्ट पे जहाँ से हम लोगों को सच पास के लिए परमिट मिलेगा। तो गाइस सीन ऐसा हुआ था, हम लोग 11:30 बजे हम लोग ये चेक पॉइंट पे आए थे एंड उसके बाद से बंद था क्योंकि ऊपर में बहुत ज़्यादा बर्फ था, आर्मी ऑफिशियल्स लोग खुल नहीं देते। अभी बज रहा है कुछ 2:15 एंड अभी चेक पोस्ट खुल गया फॉर द सच पास एंड हम लोग अभी निकल रहे सब भाई लोग एंड हम लोग आज ये वाला होटल पे स्टे करने वाले हैं। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुके थे, फ्रेश फ्रेश हुए 2-3 घंटा जो था, उसके बाद फिर अभी हम लोग जा रहे हैं सच पास के लिए। तो सोचे नहीं थे कि आज कंप्लीट कर पाएंगे बट या हम लोग करेंगे। सो चलो भाई लोग सच पास के लिए रास्ता खुल गया है तो अभी हम लोग निकल रहे सब। यहाँ पे देखो कौन मिल गया, तो देख सकते हो तो भाई आप लोग बताओ कि भाई किसके तरह दिख रहा है, अपना जो लेजेंड है सिद्धू मूसे वाला जिसको हम लोगों ने कुछ दिन पहले हम लोगों ने खोया है तो एकदम सेम। ओके ओके, ऐसे बंदा सोच रहा था भाई कि मैं क्या दिख रहा हूँ सच में सिद्धू मूसे वाला। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि भाई को सिद्धू मूसे वाला का तरह लग रहा है कि नहीं, एकदम लग रहा है कि सिद्धू मूसे वाला का भाई है अपना खुद का, है ना। गाइस यार फाइनली सच पास राइड इज ऑन, हम लोग वो ऊपर जाने वाले हैं भाई, लेट्स गो। तो गाइस ये जितना ऊपर की तरफ जा रहा है उतना ही रोड्स वगैरह छोटा होता जा रहा है एंड मुझे डर भी लग रहा है भाई। अबे अरे कैसी बाड़ा, अबे तोलो ठीक है। हाँ ये तो शुरुआत है गाइस, दिस इज द शुरुआत। तो देख सकते हो भाई मैं गिर गया, कंटेंट मारने के लिए साहब आ गया, जाहिर भाग के आ गया। मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं कैसे गिर गया, इट्स टू फनी मैन। तो गाइस यार राइट साइड में घुमाने गया, ब्रेक दबाया और भाई बैलेंस बिगड़ गया, गिर गया भाई। एंड रोड देखो भाई सच पास सच का सामना करने जा रहे, तो सुपर स्पोर्ट लेके बाप रे बाप भाई कहाँ से जाए। तो गाइस यहाँ पे देखो जाहिर बोलने नहीं जाएगा साला, चल भाई इतना दूर आया है, ओ ऊपर ज्यादा नहीं है देख उधर है। हाथा पता नहीं चलेगा। भाई सर ऐसे नड़बड़ नड़बड़ कर रहा है, दो टेनर एक भूसा एंड यहाँ पे झरना देखो भाई ऑसम है एंड व्यू देखो भाई बस यहाँ पर एंड वो रहा अपना टोक्यो, बहुत मजा आ रहा है। ऊपर से बारिश भी गिर रहा है, फटके चार होने वाला है, ठीक है टू बी ऑनेस्ट भाई फटके चार होने वाला है बट हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। अब क्या डर लग रहा है, बाप रे कमर का हालत खराब हो जाएगा भाई। तो गाइज यार सच पास यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर दूरी पे है एंड गाइज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे एक व्यू पॉइंट पे एंड जस्ट भाई देखो ये नजारा, ठीक है दिल खुश हो जाएगा भाई आप लोगों का। रेडी 1 2 3 गो। देखो भाई कितना सुंदर दिख रहा है ना, ओ क्या खूबसूरत है भाई, क्या खूबसूरत है ना, इतना जो मेहनत करके आए ना दिल खुश हो गया। चलो गाइस यार अभी फोटो वोटो खींचा के रील्स वील्स बना के हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर सच पास की तरफ, वो देखो बर्फ पड़ा हुआ है वहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो फिर चलते फटाफट से, बारिश थोड़ा सा कम हो गया है अच्छा लग रहा है भाई इसीलिए। यहाँ से ऑलमोस्ट और 15 किलोमीटर है, मज़ा भी आ रहा है फट भी रहा है सब कुछ हो रहा है भाई। भाई पता है पहाड़ों में ना एक खास बात यह है कि हर एक मोड़ पे आप लोगों को एक नया व्यू देखने को मिलेगा। अरे बाप रे भाई ये सब जगह में ना
बहुत केयरफुली आना चाहिए, नहीं तो फिर, और केयरफुली चलाना भी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर नहीं हो, अब अगर आओगे पक्का गिरोगे, आपका तो कुछ ना कुछ टूटेगा ही, साथ ही में बाइक का भी कुछ ना कुछ टूटेगा। तो जाहिर भाई का फोन गुम हो चुका है भाई, इतना कैसे भाई, 13 प्रो। अगर फोन नहीं मिला तो क्या करेगा? सुसाइड करेगा। वाह 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 वाह, ये कैसे जा रहा है भाई? फक ब्रो, भाई कैसे इतना स्पीड में? ओ भाई, ये सब टर्निंग में पैंचोद अभी गिर रहा था। गाइस ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। मैं वहाँ पे जो गिरता ना भाई, अगर गिरता ना, मेरा टांग टूटता पहले, नेक्स्ट तो भाई बाइक भी टूटता। क्या कर रहा है भाई? भाई यार मेरा बाइक के साइड से ही भाई आ रहा है, इधर से चला जाओ भाई। सच पास यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर दूरी पे है, हम लोग थोड़ा सा रुके क्योंकि यार हालत फटके 4 हो गया है भाई। ठीक है, देख रहे हो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, हम लोग बर्फ के बीच में खड़े हैं। क्या मजा आ रहा है भाई। एंड गाइस यार ये सब जगह पे ना बाइक लेके कोई भी आ सकता है, बट ऐसी सुपर स्पोर्ट लेके ना आना इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। तो गाइस देख रहे हो भाई, अब बोलो किसको मारे, किसको मुंह फोड़े बोलो। अरे भाई रे, बदला लेंगे इसका। अरे बाप रे बाप, आइस यार थोड़ा सा टोक्यो के साथ भी बर्फ बर्फ खेलते हैं, आइस आइस खेलते हैं। तुम कुछ लगा तो नहीं ना टोक्यो? टोक्यो रो रहा है भाई। ओ भाई साहब, थोड़ा देखो यार हम लोग कहाँ पे आ गए भाई, इन द मिडिल ऑफ बर्फ स्नो, और बस 3 किलोमीटर बाकी है। चलते रहो चलते रहो। We are in the top of the mountain, भाई। तो भाई साहब यार इसको बोलते हैं एक्सट्रीम रोड कंडीशन। हाँ, मैं सोचा नहीं था कि ऐसा भी रोड देखने को मिलेगा हम लोगों को। टोक्यो भाई, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो बस मुझे गिराना मत। आई लव यू अ लॉट भाई, एंड सारे भाई लोग पीछे हैं मेरे। अगर मैं बाई चांस गिर भी गया तो वो लोग आके मेरे को बचा लेगा। अभी गिरता हो भाई, धुआं निकल रहा है गाड़ी से, आराम से आराम से। ये वाला पोर्शन ज्यादा स्लिपरी है, पीछे से आराम से पकड़ना भाई। ठीक है भाई, लेट्स गो। बहुत स्लिपरी है भाई भाई, रोड्स आर टू मच स्लिपरी भाई।
6-7 के स्पीड से ज्यादा चला नहीं पाएंगे भाई। तो गाइज यार हम लोग ऑलमोस्ट आ गए सचवास पे, एंड क्या नजारा है यार, जस्ट लुक एट द नजारा, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। और ये रहा अपना टोक्यो भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं गया, 2-3 बार थोड़ा सा ऐसा लगा कि गिर जाऊंगा, तो टोक्यो तो मेरा जान है यार, इन्हें नहीं दिया मुझे, बहुत ठंड लग रहा है, विदाउट ग्लव्स हूँ मैं, पहली टाइम मैं इसी जगह पे आया। एंड नॉर्मल बाइकर्स तो भाई आने में डरते हैं, हम लोग ऐसी बाइक लेके आए, सुपर स्पोर्ट ट्रैक बाइक, ठीक है, तो निंजा ZX Terra 2021। गाइस देखो बाइकर भाई जाहिर का कान देखो, देख रहे हो क्या कर रहा है, ओ देखो देखो देखो, ए भाई दारा एडवाइन खाई खेदी छे आई बाणा, अरे बोका चोता बाणा की कोड़ चीज भाई जाहिर, मार बाणा जाहिर बड़ा पोत मेरे दे बड़ा। और तो गाइस यार हम लोग चीरे बाजा खा रहे भाई, हम लोग भाई थोड़ा दे दो भाई, तुम्ही वाणा डा पागला चोरा जा रहा तो वाणा गिरा दिया सलाम बहन चो जोर बड़ा पुल्ला बड़ा सो गाइस अभी हम लोग जा रहे एंड हु विल गोना मेक इट मैन, चलो टोक्यो चलो, लेट्स गो बेबी, वी कैन डू इट मैन, यस बेबी, चलो भाई 10 के स्पीड में ही जाएंगे बट हम लोग जाएंगे भाई। गाइस मैं सच बता रहा हूँ ऐसा राइड शायद ही किसी ने किया होगा अपना वेस्ट बंगाल पे, आराम से आराम से। चलो तो गाइस सचवास वो ऊपर है, हम लोग 100 मीटर 10 मिनट में क्रॉस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस यार बहुत ही एक्सट्रीम राइड हो रहा है, लाइक मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को कि राइड कितना एक्सट्रीम हो रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है गाड़ी, स्नो में पूरा फंसा हुआ है, देख सकते हो स्नो कुछ ऐसा है, बहुत ही खतरनाक स्नो है, बट फिर भी कोशिश करेंगे सतपास तक जाने का, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे दूर है टॉप, ठीक है ना, अभी ये टाइम काफी ओवर हो रहा है मेरे ख्याल में, ऐसा करो वापस जाओ कल ट्राई करो, अभी मैं आपको मिस गाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम भी पैदल जा रहे हैं, ये वाला हमने धाके निकाल के ही आगे किया हुआ है, ठीक है आप लो परंतु जाना मुश्किल है हमारे ख्याल में, हम लोकल है वापस जाएंगे तो बेहतर रहेगा, नीचे उतराइए आगे आपको, कल बारे बर्फ पड़ेगा तो कल जा सकते हैं, वैसे एक ही नाइट का बात है, आज रुक जाओ मुश्किल है, आगे बर्फ जम चुका है भाई, देखो ब्रेक नहीं लगेगा आपकी गाड़ी, आगे इतना एक्सट्रीम है रोड, ठीक है मतलब बर्फ इतना है भाई जा ही नहीं सकेंगे, यहाँ ये लोग यहाँ का लोकल से फिर ही बोल रहे कि भाई नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल, तो हम लोग भाई चले आते हैं, बस यहाँ से 2 किलोमीटर है
नहीं कर पाए, अफसोस की बात है, बट इतना दूर तक आए ये बहुत 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 बड़ी बात है। तो गाइस यहाँ पे टोक्यो गिर गया है, बहुत ही ज्यादा बर्फ है और पता नहीं कैसे उठाऊंगा इसको। तो गाइस यार बहुत हालत खराब है, इतना स्लिप कर रहे हैं, अपना टोक्यो पहली टाइम गिर गया, क्या करूं अब सोच रहा हूँ। भाई लोग आएगा फिर उसके बाद उठाएगा, और वहां पे देख सकते हो बादल आ रहा है भाई साहब। भाई दुजन लग गए, दुजन लग गए, 2 3 ए दुजन लग गए, भाई